ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी द फर्दर डिफरेंसेस बिटवीन अमंग सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज फॉर सॉलिड्स, इट इज अबाउट मोशन. ऑल द पॉइंट्स, बट द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट मोशन. द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजिशन. इसका मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है एक बीच का पोजिशन और एवरेज पोजिशन. ठीक है, समझ गए? ओके, मतलब कि जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का मीन, मतलब एग्जैक्टली मिडिल, उसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसा तो होता नहीं कि कंटिन्यूसली इधर उधर रैंडम नहीं घूम पाता है, लेकिन मोशन में होता है, वाइब्रेट करते रहता है अपने ही जगह पे खड़ा होके, ऐसे 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 ऐसे. तो मान लो इतना दूर पर वो वाइब्रेट होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ. ये भी मैं बहुत ज्यादा एनलार्ज करके बता दिया, इतना भी नहीं, बहुत छोटा, एकदम जरा सा, एकदम इतना धीरे की समझ में भी नहीं आएगा. ठीक है, तो मान लो इतना दूर तक वो वाइब्रेट हो रहा है ऐसे 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 ऐसे. तो इस डिस्टेंस का जो बीच का पोजिशन है, बीच का जो पॉइंट है, उसी को बोलते हैं मीन पोजिशन. इसी के अबाउट वो वाइब्रेट हो रहा है. तो इसी का पहला पॉइंट हो गया सॉलिड्स के लिए, द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट देयर. तो ये सब देखो, अब ये हर एक जो जितना भी बबल्स आप देख रहे हो, पार्टिकल अपने प्लेस पे रहेगा, ऐसे 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 खाली वाइब्रेट करता रहेगा. वेयर एज लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एक मूव करते रहते हैं, इधर उधर, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं, लेकिन मूव करते रहते हैं और एक के ऊपर एक स्लाइड करते रहते हैं. ठीक है, तो हमें क्या लिखा, स्लाइड ओवर ईच अदर. ठीक है, तो जैसे मैं वाटर भी अगर देख लो तो वो लेयर वाइज रहता है. आप कहीं पेंटिंग में भी ड्रॉ करते हो, हम लोग पानी कैसा ड्रॉ करते हैं, ऐसे 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 लेयर वाइज. तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर वो स्लाइड करते रहता है, स्लिप करते रहता है. ठीक है, स्लाइड मतलब स्लिप होना. ठीक है, आप लोग झूला झूले हो स्लाइड वाला, तो स्लाइड मतलब स्लिप, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करते रहता है. और मॉलिक्यूल्स उसके अलावा भी इधर उधर मूवमेंट चलते रहता है, मूवमेंट होते रहता है. तो सॉलिड से इनका मोशन ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन गैसेस से कम. गैसेस में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस रहता है और सबसे ज़्यादा मोशन रहता है. और आपको पता भी है, कंटिन्यूसली गैस कोई भी वेसल में है तो गैस कंटिन्यूसली इधर उधर मूव करते रहेगा. ओके, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग. नाउ वी विल स्टडी अदर डिफरेंसेस. ओनली थ्री मोर डिफरेंसेज आर लेफ्ट अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, इसलिए दे आर नॉट फ्लूइड. ठीक है, दे हैव जीरो फ्लूइडिटी. डेफिनेटली देखो, यहाँ पर जो भी चीज़ सॉलिड रखा हुआ है, फ्लो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, रखा हुआ इधर ही खड़ा है तो खड़ा है. फ्लो मतलब क्या होता है, बहना. ठीक है, तो आप लोग को पता है पानी बहता है, नदी बहता है, राइट. उसमें वाटर कोई भी लिक्विड रहेगा तो इट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इट हैज फ्लो. सो कोई भी चीज़ जो कि फ्लो होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं. इसलिए लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड. सिमिलरली गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो. इनफैक्ट गैस तो सबसे ज़्यादा फ्लो करता है, राइट. गैस एकदम फ्लो करेगा तो फास्ट फास्ट कहीं भी. तो गैसेज आर ऑल्सो नोन एज फ्लूइड. अब इन दोनों में बेटर कौन है, अगर पूछा जाए कि इसका फ्लूडिटी ज़्यादा होगा, इसका क्या, इसका, तो इसका डेफिनेटली गैसेज का फ्लूडिटी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मतलब किसको दबा करके उसका वॉल्यूम कम कर देना. ठीक है, किसी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर, तो प्रेशर से उसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है, कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल. तो सॉलिड्स को आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर नॉट कंप्रेसिबल इजिली. कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल सॉलिड्स को नहीं कंप्रेस. तो कुछ ये देख लो, तो दबा करके छोटा कर सकते, क्या वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, सो कर सकते नहीं कर सकते. कुछ एग्जांपल होते हैं जहाँ कर भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल, लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है. लाइक जैसे कुछ रबर वबर का हुआ तो थोड़ा कंप्रेसिबल होता है ना, रबर काफ़ी कंप्रेसिबल है. कुछ रबर का बॉल है या रबर बैंड है, उसको खींच सकते हैं, दबा सकते हैं. ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन हो गया. अदरवाइज इन जनरल कोई भी सॉलिड हो या गोल्ड हो, मैं हो, तुम हो, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. सेकेंड, लिक्विड्स में आर स्लाइटली कंप्रेसिबल. इससे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है गैसेस से कम, लेकिन दे आर फिर भी स्लाइटली कंप्रेसिबल. ठीक है, और अगर गैसेस का बात किया जाए, गैसेस का बात किया जाए तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. आप खुद भी देखो, बलून वगैरह होता है, उसको ऐसे दबा सकते हैं, पूरा फट जाता है, बात अलग है, अगर पिन रहे तो, अदरवाइज उसको दबा सकते हैं. और भी कुछ रहे आप, लाइक पिस्टन में रहो, है ना, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कैसा बोलो, ओके, ऊपर का ये पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिक्स, तो इसको मिटा सकते हैं. यहाँ पर देख लो, गैस के लिए मैं बोल रहा हूँ,
मान लो एक ऐसा सिलेंडर टाइप है, यहाँ एक मैं पिस्टन लगा दिया, यहाँ गैस है, ठीक है गैस, तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये दब जाएगा, है ना, पहले इतना वॉल्यूम है फिर बाद में इतना वॉल्यूम हो जाएगा, पॉसिबल है ये, है ना। गैस एयर ही मान लो भरा हुआ है, तो ऐसे पंप उसको करके दबा सकते हैं ना, इसको दबा देंगे, इसका वॉल्यूम पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, गैस और सॉलिड्स के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट भी हो गया। 8 पॉइंट इज अबाउट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफ्यूजन क्या चीज़ है, ओके। तो अबाउट दिस अगर ऐसा बोला जाए तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता है, राइट, क्योंकि फ्लो कहाँ करें, अगर जो चीज़ फ्लो कर पाएगा उसी का तो डिफ्यूजन पॉसिबल है। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पा रहा तो मूव ही नहीं करेगा वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, पूरा मिल जाना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन सॉलिड फ्लो ही नहीं कर रहा तो वो डिफ्यूज नहीं करेगा। लिक्विड्स करेगा गैसेज से कम लेकिन सॉलिड से ज़्यादा, ओके, एंड वही गैसेज में हाइएस्ट डिफ्यूजन रेट मिलेगा, ठीक है, ओके, पॉज करो।